बिग बॉस सीजन 13 में रोजाना बिग बॉस कंटेस्टेंट को टास्क देते हुए नजर आते हैं और ऐसे में ये कंटेस्टेंट जी जान लगा देते हैं टास्क को करने के लिए। लेकिन इस बीच देवोलेना को लग गई चोट। जी हाँ, आपको बता दें बिग बॉस के घर में टास्क काफी मायने रखते हैं और कंटेस्टेंट को इन टास्क को जीतने के लिए जी जान लगानी पड़ती है। वहीं बिग बॉस सीजन 13 में कंटेस्टेंट देवोलेना के साथ जो हुआ वो बेहद ही बुरा हुआ। जी हाँ, आपको बता दें कि एक टास्क के दौरान देवोलेना की कमर में गंभीर चोट लग गई और ऐसे में उन्हें बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। डॉक्टर्स के मुताबिक कहा गया है कि वो बेड रेस्ट करें और साथ ही देवोलेना को चोट इतनी गंभीर लगी है कि वो कुछ हफ्तों तक टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। वहीं साथ ही आपको बता दें कि बीते एपिसोड में देवोलेना नजर नहीं आई और उन्हें बिग बॉस ने खुद कहा कि वो उनका डिसीजन है कि वो टास्क में शामिल होना चाहती हैं या फिर नहीं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बिग बॉस को बीचों बीच छोड़ देंगी देवोलेना। वेल फ्रेंड्स, देखा जाए तो देवोलेना शो में काफी मजबूत कंटेस्टेंट के तौर पर उभर कर आई हैं और ऐसे में उनके फैंस को झटका लग जाएगा अगर वो ऐसा कुछ सुनेंगे। वेल फ्रेंड्स, जहाँ एक और डॉक्टर्स के मुताबिक देवोलेना पूरे रेस्ट पर हैं। जी हाँ, खबरों के मुताबिक आपको बता दें कि डॉक्टर्स ने उन्हें बेड रेस्ट करने के लिए बोला है। वहीं देवोलेना के फैंस के लिए ये बेहद ही बुरी खबर है। देखा जाए तो फिलहाल तो देवोलेना बेड रेस्ट पर है, लेकिन आगे की बात की जाए तो पता नहीं देवोलेना क्या डिसीजन लेती हैं। वेल फ्रेंड्स, हमारी तो ये ही दुआ है कि जल्द से जल्द देवोलेना ठीक हो जाएं और टास्क में फिर से अपनी छाप छोड़ दें। वेल फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है देवोलेना को लेकर? क्या आप भी हैं देवोलेना के फैन? तो आप भी हमारे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल तो सोशल मीडिया पर लगातार फैंस उनके सही होने की दुआएं कर रहे हैं। फिलहाल हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज से प्रांशी की रिपोर्ट।